महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे ने मंत्री पद से इस्तीफा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात कही। राणे सीएम नहीं बनाए जाने से खफा दिखते हैं। राणे ने कहा कि कांग्रेस से जुड़ने के बाद 6 महीने में सीएम पद देने का वादा किया गया था, लेकिन 9 साल में इसकी राह देख रहा हूं। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राणे ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। हुआ तो पहला हुआ, 1 साल में भी मैं इसी तरह निर्णय ले सकता था। 9 साल रुका ना मैं, तो 9 साल के बाद अभी तो चुनाव है, अभी मुख्यमंत्री पद का कोई है ही नहीं। क्या मैं इस्तीफा देके कुछ मुख्यमंत्री पद पाना नहीं चाहता हूं? मेरे को एक बताना है, जो शब्द दिए वो उन्होंने रखे नहीं। जो हाईकमान या हमारे कांग्रेस के लोगों ने जो हमें कहा था कि 6 महीने में मुख्यमंत्री पद देंगे, वो पूरा नहीं उनसे होगा। एक हाल में बोला है उसका, मगर वो नाराजगी से मेरे को अभी कुछ पाना नहीं है। देखो, झूठ बोलने का कुछ सवाल नहीं है। मैं किसके ऊपर एडिशन किया नहीं, एलिगेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना ही कर रहा हूँ कि जो जवान दी वो पूरी नहीं होगी। मैं किससे भी मुलाकात आज तक किसी पार्टी, हमारे जो विरोधक है, किसी पार्टी के नेता के साथ मेरी मीटिंग नहीं हो गई, चर्चा नहीं है। दूसरे पार्टी में जाने का कोई विचार आज मैं तय नहीं किया, आज तक तय नहीं किया। ये किस्सा कुर्सी का है और ऐसी कुर्सी से लगाव है कि 9 साल तक इंतजार करने के बाद भी जब लगता है कि उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, तो अब वक्त है कि पार्टी को छोड़ दिया जाए। अब नारायण राणे कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े थे या कुर्सी की उम्मीद से जुड़े थे, ये आपको फैसला करना है। लेकिन 6 महीने बाद सीएम पद का वादा था। नारायण राणे ने कहा 23 जुलाई 2005 को कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की, लेकिन 6 महीने छोड़िए 9 साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। पृथ्वीराज की कार्यशैली से भी वो नाखुश है, उसको भी सवाल खड़ा कर दिया है। मतलब महाराष्ट्र के कांग्रेस के मुख्यमंत्री से कोई नाराज है, तो आप सोच रहे होंगे किस्सा महाराष्ट्र का है।